फाइनली गाइज हम भी अपनी बाइक में जो है एक्स टैक का जो DRL आता है छोटा सा ऐसे उसको जो है अपनी बाइक में लगाने वाले हैं। सो गाइज मैं आपको प्रॉपर जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या आपको करना है, एक भी स्टेप मैं जो है आपको मिस नहीं करके बताऊंगा। तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। तो चलिए गाइज सबसे पहले गाइज हमारी जो बाइक है कुछ इस तरह की है जैसा कि आप देख सकते हो, और इसके ऊपर हम जो है एक स्टिकर चिपकाएंगे जैसे DRL का जो है साइज होता है। सो उसके लिए हमें जो है एक स्टिकर को निकाल है और यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टिक करना है इसके ऊपर जैसे हमारा जो एक्सटेक का DRL आता है एक साइड में। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरह का जो है हमने जो है एक स्टिकर चिपका दिया है वाइट कलर में। अभी गाइस यहाँ पे हमें जो है प्रॉपर इसको जो है शेप में काटना है, जितना हो सकेगा हम उतना जो है इसको सटीक तरीके से करेंगे, अच्छे से इसको जो है करेंगे। जल्दी से इसका वाइजर को खोल लेते हैं। इसके बाद गैस हमें जो है इसको एक एंगल ग्राइंडर की मदद से और बाकी कुछ टूल्स की मदद से हम इसको जो है प्रॉपर अच्छे से इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए गैस अब इसकी कटिंग को हम जो है करते हैं प्रॉपर तरीके से, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा मैं DRL इसमें लगाने वाला हूँ। सो फाइनली गाइज ये अभी जो है कटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी प्रॉपर ये कटिंग हो चुका है। सो अभी गाइज यहाँ पे मैं जो है एक ग्लास को यहाँ पे लगाऊंगा, एक शीशे को लगाऊंगा ताकि इसमें पानी वगैरह ना जाए। सो गाइज एक शीशे को कुछ इस तरह से मैंने लिया है और यहाँ पे जो है मैं फेविक्विक की मदद से इसको जो ऐसे चिपका देता हूँ। इसके बाद गाइज आती है बारी DRL की। सो गाइज DRL इस तरह का मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये एक्चुअली मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था लेकिन मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और ये सिर्फ सिंगल कलर में चलता है, मतलब एक ही कलर में चलेगा ये व्हाइट कलर में। तो गाइस इतना लंबा है ये DRL, तो इसको मैं जो है यहां से काट देता हूं। सो कुछ यहां से मैंने इसको काट दिया है और अभी मैं जो है आपको इसको चला के दिखाता हूं। सो गाइस आप देख सकते हो ये कुछ इस तह से चलेगा। तो गाइस आप देख सकते हो DRL हमारा चल रहा है। अभी DRL को मैं जो है यहाँ पे जो है फेविक्विक की मदद से ही इसको चिपका देता हूँ यहाँ पे। सो अभी गाइस अच्छे से हमारा काम हो चुका है। अभी गाइस सीधे अभी जो है हम वाइजर को फिट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इंडिकेटर की वायरिंग को जो है हम जोड़ लेते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नेगेटिव का यहाँ पे लगा रखा है इंडिकेटर के नेगेटिव से, और पॉजिटिव का गाइस यहाँ पे जो ब्लैक कलर की वायर है वो चाबी ऑन करने पर हमारा DRL ऑन होगा। सो ये जो है ब्लैक कलर की वायर में तभी करंट आता है जैसे चाबी ऑन होती है, तो यहाँ पे मैं जो है पॉजिटिव की वायर लगा लेता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस जैसे मैं अभी चाबी ऑन कर रहा हूं तो हमारा DRL चल रहा है। तो अभी जो है हम वाइजर को फिटिंग कर देते हैं, देन इसके बाद जो है इसमें हम जो है लेमिनेशन करेंगे। तो गाइस अभी टाइम है इसकी जो पुरानी वाली लेमिनेशन है उसको उखाड़ने का, सो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं और इसके बाद इसका स्टिकर वगैरह सब मैं उखाड़ देता हूँ। देन इसके बाद जो है हम फिर से इसमें जो है मैट फिनिश में एक लेमिनेशन करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो ये मैट फिनिश में लेमिनेशन करने के बाद बाइक की लुक कुछ इस तरह से आ रही है। तो चलिए अभी जो है पूरा होने देते हैं काम को, देन उसके बाद जो है हम स्टिकर का डिसाइड करेंगे कौन सा लगाना है। सो फाइनली गाइस स्टिकर की प्लेसमेंट भी हो चुकी है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है बाइक का, और हीरो की प्लेसमेंट मैंने फिर से जो है की थी। सो कुछ इस तरह की बाइक की लुक है अभी। सो अभी गाइस मैं आपको जो है इसके कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ। सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो दबा के शेयर करना इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।